गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम लोग करेंगे क्या, या यूं हम कह सकते हैं जो पीछे की दोनों एल्गोरिथम हम लोग देख कर आए हैं, वहां पर हम लोग के पास जो क्लिपिंग विंडो होती थी वो हमारे पास वो कंपल्सरी थी कि वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होनी चाहिए, रेगुलर रेक्टेंगुलर। बट यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है साइरस बैक में, साइरस बैक में हम लोग किसी लाइन को क्लिप करेंगे रेक्टेंगुलर के साथ साथ हम एक नॉन रेक्टेंगुलर एरिया भी किसी लाइन को क्लिप करने के लिए क्लिपिंग एज अ क्लिपिंग विंडो हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम होती क्या है, क्या प्रोसेस है और हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी न्यूमेरिकल्स में। तो आज की क्लास में हम लोग साइरस बैक एल्गोरिथम को देखेंगे, समझेंगे और इसी के पैरेलल में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम होती है, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम लोग करते क्या, साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम लोग करते क्या हैं कि रेगुलर रेक्टेंगुलर एरिया के साथ साथ हम लोग किसी लाइन को क्लिप करने के लिए एक नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एल्गोरिथम एक्सप्लेन्ड अबव अज्यूम, अबव का मतलब यहाँ पर जो पीछे की दोनों एल्गोरिथम हम लोग देख कर आए हैं, कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम, मिड पॉइंट सब डिविजन एल्गोरिथम, अज्यूम दैट द लाइन क्लिपिंग विंडो इज अ रेगुलर रेक्टेंगुलर। तो पीछे की दोनों एल्गोरिथम में कंपल्सरी था कि क्लिपिंग विंडो जो हमारी होनी चाहिए वो एक रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। दीज एल्गोरिथम आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, दीज एल्गोरिथम का मतलब क्या, वही जो पीछे की दोनों एल्गोरिथम हम लोग देख कर आए थे, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो। साइरस बैक हैव डेवलप्ड अ जनरलाइज्ड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। साइरस बैक हैव डेवलप्ड अ लाइन जनरलाइज्ड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल टू एन आर्बिट्रेरी कॉन्वेक्स रीजन। दिस एल्गोरिथम यूजेज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन of a line segment to find the intersection point of a line with a clipping edges. अच्छा, अब इसमें करना क्या है एक्चुअली में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर और यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि जो साइरस बैक एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो एल्गोरिथम बेसिकली बेस्ड है एक रेगुलर लाइन को क्लिप ही कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइन को क्लिप कैसे करेंगे एक रेगुलर या और नॉन रेगुलर रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो में हम लोग किसी लाइन को क्लिप करना यहाँ पर सीखेंगे। प्रोसेस क्या है एल्गोरिथम का यहाँ पर, चूंकि हम लोग को लाइन को क्लिप करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक पैरामेट्रिक इक्वेशन किसी लाइन की लेंगे और जाहिर सी बात है कि लाइन को क्लिप करना किसी क्लिपिंग विंडो में, तो मेन जो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम लोग टोटल फोकस करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अगर हमारा इंटरसेक्शन, पीछे की दोनों एल्गोरिथम में भी हम लोगों ने यही देखा कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ गया तो बाकी का सेक्शन जो आउटसाइड ऑफ विंडो होता है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन साइरस बैक के थ्रू हम लोग जो लाइन को क्लिप करेंगे, वो साइरस बैक के थ्रू लाइन को क्लिप करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन किसी लाइन सेगमेंट की क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू माइनस पी वन डॉट टी, जहाँ पर टी हमने एक यहाँ पर पैरामीटर यूज किया हुआ है और P1 और P2 हमारे किसी लाइन के दो एंड पॉइंट हैं। यहाँ पर T की वैल्यू जो है वो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, 0 is less than or equal to, T इज लेस देन और इक्वल टू 1, वेयर T इज अ पैरामीटर, T इज इक्वल टू 0 at P1 एंड T इज इक्वल टू 1 at P2। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और कोशिश मैंने ये की हुई है यहाँ पर कि हम एक एग्जाम्पल समझाएंगे और दोनों एक साथ चलेंगे हमारे पास, यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे और एल्गोरिथम भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। इससे होगा क्या कि आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो
तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास एक हेक्सागन है जिसकी वर्टिसेस हमारे पास दे रखी हैं V0, V1, V2, V3, V4, V5। इनके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 1.2, 3.0, 1.4, 5.2, 5.4, 3.6। ये हमारे पास यहाँ पर छह वर्टिसेस हैं इस हेक्सागन की, और ये एक लाइन है जिसको हमको क्लिप करना है, और क्लिपिंग विंडो हमारे पास एक ही बन है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्लिपिंग विंडो। तो आई होप कि आप इस एग्जांपल के थ्रू ये समझ गए होंगे, साइरस बैग का एडवांटेज तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि साइरस बैग का एडवांटेज क्या है, कि हम एक नॉन रेगुलर रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के थ्रू हम लोग किसी लाइन को क्लिप करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग प्रोसेस यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे कि इसका प्रोसेस है क्या, और इस प्रोसेस के थ्रू इस एग्जांपल को भी हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल में ये जो लाइन के दो एंड पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं P0 और P1, P0 का जो पॉइंट है -2.1 है, P1 का जो पॉइंट है वो 6.3 है। अब इस लाइन को क्लिप करना है और क्लिपिंग विंडो हमारे पास ये दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं। पहला काम इसमें करना क्या होता है, पहला काम हम लोग करते हैं कि इसमें हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना आ गया तो इसमें आई थिंक कोई परेशानी आपको होगी नहीं साइरस बैग लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहीं पर होती है, हम लोग नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर कैसे निकालते हैं। नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, NI से। ये हमारा NI है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अच्छा, हम लोग करते क्या है यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा होगा। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। हम लोग करेंगे क्या, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एच के परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड हर एच का आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ पर। नॉर्मल वेक्टर के क्या, N1 NI मीन्स क्या, नॉर्मल वेक्टर ऑन एच, ठीक है। N1 सबको नॉमिनेट कर दिया हर एच के लिए, N1 N2 N3 N4 N5 और N6। अब ये निकालते कैसे हैं, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, N1 इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, -1, -1। इसका बेसिकली मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये चीज़ कंफ्यूज करे, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके अगर इसको देखेंगे तो सारे नॉर्मल वेक्टर आप इजीली निकाल पाएंगे। ये जो यहाँ पर N1 है, N1 क्या कर रहा है, हम लोग ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, 2D एक्सेस है यहाँ पर हमारे पास, ये X है और ये Y है। तो N क्या है, N1 जो है हमारे पास वो एक तो पीछे जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, मतलब X के नेगेटिव वी कैन से, और Y के भी नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या, कि दोनों साइन नेगेटिव होंगे, -1, -1। सिमिलरली N2 हम लोग देखते हैं, N2 यहाँ पर क्या है, N2 हमारे पास -1, 0 होगा, मतलब दिस वन। अब ये N2 -1, 0 क्या क्यों होगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर N2 क्या है, N2 हम लोग यहाँ पर पीछे जा रहे हैं, X के पीछे जा रहे हैं, और Y हमारा जो है यहाँ पर वो अनचेंज है, क्योंकि हम X की करस्पॉन्डिंग X से करस्पॉन्डिंग हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1, 0 हो जाएगा। सिमिलरली N3 हम लोग देखते हैं, N3 भी यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे निकाला है हम लोगों ने यहाँ पर। N3 हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ कि N3 हम X के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर X के लेफ्ट साइड में मतलब क्या है, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। N4 क्या, N4 के लिए हम लोग यहाँ पर जरा ध्यान से देखते हैं, N4 हम लोगों ने क्या किया, N4 यहाँ पर X के पॉजिटिव और ऊपर जा रहे हैं, तो Y के भी पॉजिटिव, यानी 1.1। N5 1.0, Y हमारा अनचेंज और X के पॉजिटिव। N6 हमारा 1.-1 क्यों,
ये हमारा x का राइट और हम लोग नीचे की ओर y के निगेटिव ये हम लोग आ रहे हैं। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान से मैं समझा देता हूँ आपको, हो सकता है ये नॉर्मल वेक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो, अगर नॉर्मल वेक्टर हमारा निकल गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो आधा काम साइरस बैग का हमारा आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। n1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर -1, -1 वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे x के लेफ्ट में जा रहे थे, x के निगेटिव जा रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं और y के नीचे आ रहे हैं, तो y के नीचे y के भी निगेटिव और x के भी निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर -1, 1। n2 सेम वही -1, 0। n1 हमारा क्या, n3 क्या हो जाएगा -1, 1। n4, n5 और n6 देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो हमसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। पर फिर हम अगले स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अगली स्टेप हमारे पास क्या है यहाँ पर कि स्टेप 2 फाइंड पॉइंट एट h, मतलब क्या है हमको वी हैव टू फाइंड PEI पॉइंट एट h। अब पॉइंट एट h का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट एट h ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पर किसी भी h पर हम लोग ये जो पॉइंट एट h निकालने का मतलब है, इसका मतलब क्या है किसी भी h पर हम लोग वो पॉइंट ले सकते हैं या ऑन द किसी भी h पर पॉइंट ले सकते हैं या हम लोग सीधे सीधे वर्टेक्स ही मान लेते हैं पॉइंट एट h का मतलब। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने क्या किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसके लिए आप फ्री हैं। PE1 हमने क्या किया है यहाँ पर 3, 0। PE2 यहाँ पर क्या किया हमने 1, 2। PE3 हमने यहाँ पर क्या किया है 1, 4। सेम वही जो वर्टेक्स है हमारे पास वो हमारे पास PE1, PE2, PE3, PE4 और PE5 और PE6 हमारे पास हो जाएंगे। ये है हमारी स्टेप 2 साइरस बैग लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है यहाँ पर फाइंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम पैरेलली लेके चल रहे हैं एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। फाइंड ऑल पैरामीटर्स फॉर ऑल एजेस यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास t=ni. यूजिंग डॉट ऑपरेटर, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमने यूज़ किया हुआ है, ni.PEI जो अभी हम पीछे निकाल कर रहे हैं -P0 ni P1 -P0, ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये टी हमारे पास क्या है, टी पैरामीटर, और ये टी पैरामीटर हम लोग सारे एजेस के लिए हम लोग यहाँ पर टी पैरामीटर को निकालेंगे। और ni क्या है ये स्टेप 1 में हमने देखा, PEI क्या है ये हमने स्टेप 2 में निकालना देखा है। तो अब हम लोग हर एजेस के लिए ये पैरामीटर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम लोग T1 बहुत ध्यान से देखेगा, T1 और T2 मैंने सॉल्व किया हुआ है, T3, T4, T5, T6 आप लोग अपने आप निकालेंगे, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो T1 देखते हैं स्टूडेंट, T1 कैसे निकाला, ni हमारा क्या है, ni फर्स्ट एच के लिए ni हमने क्या निकाला हुआ है यहाँ पर, ni मीन्स n1। जब हम लोग T1 निकालेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, T1 इज इक्वल टू n1.PE1 -PE0 n1.P1 -P0। कोशिश ये करिएगा, P1 -P0 तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैं पहले से निकाल के रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग T1 कैसे निकालते हैं, n1 हमारे पास गिवन है, हम लोग पीछे स्टेप 1 में हम लोग निकाला था नॉर्मल वेक्टर -1, -1। PE1 हमारे पास क्या है, PE1 हमारे पास है यहाँ पर 3, 0, ये हम वैल्यू यहाँ पर फिट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले में। ये फार्मूला होता है पैरामीटर को निकालने का साइरस बैग लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। T1 इज इक्वल टू -1, -1 .3, 0 मतलब फर्स्ट पॉइंट एट द एच। तो 3, 0 --2, 1, 6, 3 -2, 1, -1, -1। अब देखिए हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं यहाँ पर, ये 5, -1 ये कैसे आया यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 3 xy xy, तो सब्ट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर 3 -2 एंड 0 -1, तो 3 -2 एक्स का एक्स के साथ में और वाई का वाई के साथ में, तो जो 3 -2 5 और 0 -1
ये माइनस वन हो गया। सेम यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे 8,2, फिर इसमें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस वन क्रॉस फाइव प्लस माइनस वन डॉट माइनस वन अपॉन माइनस वन डॉट एट प्लस टू डॉट माइनस टू क्रॉस माइनस वन। सो माइनस फाइव प्लस वन माइनस एट माइनस टू माइनस फोर अपॉन माइनस टेन। साइन अभी हमने हटाया नहीं, उसका एक रीज़न है वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। सिमिलरली टी टू निकाला माइनस वन कॉमा ज़ीरो, ये हमारे पास एन टू है, ये पी ई टू है, पी नॉट पी वन आपको पता ही है क्या है, माइनस थ्री कॉमा माइनस एट, साइन अभी नहीं हटाएंगे यहाँ पर। सिमिलरली टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स हम लोग निकाल लेंगे। इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इनकी वैल्यूज़ मैच नहीं करती हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अगले स्टेप क्या होगी साइरस बैग लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की, कि यहाँ पर हम लोग करेंगे नाउ फाइंड पैरामीटर फॉर एंटरिंग एंड एग्जिट। पैरामीटर फॉर एंटरिंग एंड एग्जिट का बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमको करना क्या है, हमको करना है यहाँ पर ये है कि हमको ये हमारे पास एक हेक्सागन दे रखा है, यहाँ पर इस लाइन को क्लिप करना है, तो हम लोगों को ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, दो एल्गोरिथम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग वहाँ पर भी यही करते थे। अब यहाँ पर एंट्रिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग पैरामीटर की इक्वेशन के थ्रू हम लोग किसी लाइन को क्लिप करने जा रहे हैं, तो हम लोग करना क्या होगा, पहले एंट्रिंग पैरामीटर ये और एग्जिट पैरामीटर ये हमको निकालना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट को फाइंड आउट कर पाएंगे, एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट को या इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर, कि हम लोग एंट्रिंग पैरामीटर और एग्जिट पैरामीटर मतलब टी की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं फॉर एंट्रिंग और एग्जिट, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं स्टूडेंट, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स ये सारी वैल्यूज हमने पीछे के स्टेप में निकाल चुके हैं। अब देखिए कैसे निकलता है यहाँ पर, उनको हम लोगों ने ग्रुप किया हुआ है जिनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, उनको हमने यहाँ पर ग्रुप कर लिया, और उनको ग्रुप कर लिया जिनके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है, टेक हाईएस्ट एंटरिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट एंटरिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इन तीनों में हाईएस्ट एंटरिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 4/10। तो 4/10 हमने ले लिया, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये एंटरिंग पैरामीटर हमारे पास आ गया। अब उसके बाद इसको जो ग्रुप किया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक लोवेस्ट एग्जिट पॉइंट, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये हमारे पास 0.875, तो ये लोवेस्ट हमने यहाँ पर ले लिया। फिर स्टूडेंट अब हम लोग ये एंट्रिंग पैरामीटर आ गया और ये एग्जिट पैरामीटर आ गया, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं अगले स्टेप में, अब हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टी पी वन माइनस पी नॉट। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ये निकालने जा रहे हैं एंटरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पी टी इज इक्वल टू माइनस टू कॉमा वन, हमारे पास पी नॉट फर्स्ट एंड पॉइंट है, आप लोग चेक कर लीजिए फिगर में, टी हमारे पास 4/10 एंट्रिंग पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4/10 वैल्यू फिट कर दी, 4/10 इंटू 8/5, 4/10 इंटू 2/5, 16/5, 4/5 माइनस टू प्लस 16/5, वन प्लस 4/5, 6/5, 9/5। सेम ईयर यहाँ पर हम लोग एग्जिट पॉइंट निकालेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी, एग्जिट पॉइंट के लिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टी, दिस वन वैल्यू फिट की, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, मतलब क्या कि हमने अपनी लाइन को क्लिप कर लिया। तो ये था साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, देखिएगा समझिएगा पढ़िएगा, इसका पीडीएफ भी मैं गूगल क्लासरूम में लेक्चर के साथ में अपलोड कर दूंगा। फिर भी यदि इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा पर्सनली, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, मैं फिर से कह रहा हूँ एग्ज़ाम में आ सकती है, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।